ईमेल से लेकर बैंकिंग तक हमारे स्मार्टफोन लैपटॉप हमारे ऑनलाइन लाइफ का मेन हब बन गया है। रोज के लाइफ में हम कई बार स्मार्टफोन और लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं। ईमेल्स भेजने हो, मैसेज करना हो या फिर बिजनेस पर्पस के लिए लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं। आज के वक्त में सबके लिए लैपटॉप और स्मार्टफोन लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है। पर क्या आप जानते हैं, आप अपने फोन या लैपटॉप में जो भी एक्टिविटी करते हैं उसका इन्फॉर्मेशन ट्रैक होता है। जैसे अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप ऑनलाइन में क्या ऑर्डर करते हैं उसका डेटा शॉपिंग साइट पे रिकॉर्ड होता है, जिस कारण ब्राउजर पे सर्फिंग करते वक्त सिमिलर प्रोडक्ट के एड्स दिखते हैं। आप जो साइट्स और एप्स इस्तेमाल करते हैं वहाँ से आपके फोन लैपटॉप का डेटा हैक किया जाता है। फास्ट टेक्नोलॉजी और सब काम ऑनलाइन होने के कारण आज के वक्त में साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं। कई बार ओपन वाईफाई नेटवर्क से भी आपके फोन का डेटा हैक होता है। काफी लोगों का यह सवाल होता है, लैपटॉप या फोन हैक हुआ है उसका कैसे पता चलेगा। आज के इस वीडियो में हम कुछ आसान तरीके देखेंगे जिससे पता चलेगा आपका फोन या लैपटॉप हैक है या नहीं है। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्क आई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। पहले हम देखते हैं आपका लैपटॉप हैक हुआ है वो कैसे पता चलेगा। एंटीवायरस डिसेबल्ड। लैपटॉप का डेटा वायरस से सिक्योर रखने के लिए हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पासवर्ड प्रोटेक्टेड होते हैं, जिस कारण आपके लैपटॉप का डेटा सेफ रहता है। लेकिन अगर आपको यह सॉफ्टवेयर अपने आप डिसेबल दिखे तो पक्का लैपटॉप कहीं हैक किया गया है, क्योंकि जब तक आप खुद इस सॉफ्टवेयर में पासवर्ड डाल के डिसेबल नहीं करते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिसेबल्ड नहीं हो सकता है। एंटीवायरस आपके लैपटॉप के डेटा को सिक्योर रखता है, जिस कारण हैकर्स सबसे पहले एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिसेबल करते हैं। इससे हैकर्स को आपके लैपटॉप का डेटा देखने के लिए इजी होता है। इसीलिए ध्यान रखें, अगर आपके लैपटॉप का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपने आप डिसेबल हो जाए तो लैपटॉप हैक हुआ है। सेफ्टी के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का पासवर्ड कॉम्प्लिकेटेड रखें, खासकर नंबर्स सिम्बॉल्स और अल्फाबेट्स को कम्बाइन करके पासवर्ड रखें। फेक वायरस मैसेजेस। एंटीवायरस हैक करने के बदले हैकर्स एक और तरीके से आपको फंसा सकते हैं। वो तरीका है फेक वायरस मैसेजेस भेजना। जैसे आपको लैपटॉप पे मैसेज आएगा, आपका कंप्यूटर हैक हो गया है, उसे ठीक करने के लिए यहाँ क्लिक करें। कंप्यूटर या लैपटॉप हैक करने का ये बहुत ही कॉमन तरीका है, क्योंकि हैकर्स जानते हैं लोग ऐसा मैसेज देख के अपने कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में डर जाएंगे और इस मैसेज पे क्लिक करेंगे। लेकिन ये फेक वायरस मैसेजेस हेल्प करने के बदले आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आपने मैसेज पे क्लिक कर दिया, उसका मतलब आप अपने हाथों से हैकर्स को अपनी इन्फॉर्मेशन चोरी करने का इनविटेशन दे रहे हैं। रैंसम मैसेजेस। रैंसम मैसेजेस का मतलब होता है हैकर्स आपसे पैसे की डिमांड करते हैं। आपका कंप्यूटर या लैपटॉप हैक हुआ है और इसे फिक्स करने के लिए पैसे पे करने हैं। ऐसे मैसेजेस फ्लैश होते हैं। ज्यादातर केस में स्मार्ट पढ़े लिखे लोग ऐसे मैसेजेस पे यकीन नहीं करते हैं। आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को रिस्टार्ट करके ये मैसेज अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये रैंसम मैसेज आपके प्रोग्राम्स को लॉक कर रहे हैं तो टेक्निकल एक्सपर्ट से चेक करने की जरूरत है। फ्रीक्वेंट पॉपअप्स। लैपटॉप पे काम करते वक्त या नेट सर्फिंग करते वक्त पॉपअप एड्स काफी इरिटेटिंग होते हैं। कभी कभार पॉपअप एड्स दिखे तो नॉर्मल होता है, लेकिन अगर बार बार पॉपअप एड्स दिखे तो आपके लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम है। जैसे मैंने शुरुआत में एंटीवायरस के बारे में कहा था, जब हैकर्स एंटीवायरस को डिसेबल करते हैं उसके साथ पॉपअप ब्लॉकिंग सॉफ्टवेयर भी डिसेबल किया जाता है। इसीलिए अगर आपको पहले कोई भी पॉपअप एड्स नहीं दिखते होंगे लेकिन अचानक से बहुत से पॉपअप एड्स दिखने लगे तो अपने सिक्योरिटी सेटिंग जरूर चेक करें। ऑनलाइन पासवर्ड। आज के वक्त में हम सब सोशल मीडिया अकाउंट यूज करते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, सारे सोशल मीडिया अकाउंट पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखते हैं। लेकिन कभी आपका सोशल मीडिया अकाउंट या ऑनलाइन अकाउंट पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं करे तो प्रॉब्लम होता है। हैकर्स की कॉमन टैक्टिक होती है आपके सोशल मीडिया अकाउंट का पासवर्ड चेंज करके उसे हैक करते हैं। अपने सोशल मीडिया का पर्सनल डेटा सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए कुछ बातें ध्यान में रखना जरूरी है। काफी लोग ये जानते होंगे या नहीं भी जानते
जानते होंगे आप जो भी पासवर्ड रखे उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल ना करें, जैसे बर्थ डेट, पेरेंट्स नेम, किड्स नेम, ऐसे कोई पासवर्ड ना रखें। पासवर्ड जितना इजी होता है हैकर्स उतना इजीली उसे हैक करते हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड रखें जिसमें सिंबल्स, लेटर्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन हो। पासवर्ड जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा उतना आपके सोशल मीडिया अकाउंट और डेटा सिक्योर रहेगा। सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड। कभी कभी कोई भी सॉफ्टवेयर अपने आप डाउनलोड नहीं होता है जब तक आप उसे डाउनलोड नहीं करेंगे। आपके लैपटॉप में अचानक से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने लगा तो उसे स्टॉप कर दे, इससे आपका लैपटॉप हैक होने से सेफ रहेगा। इन तरीकों से आप जान सकते हैं आपका लैपटॉप या कंप्यूटर हैक हुआ है या फिर सिक्योर है। अब देखते हैं आपका मोबाइल फोन हैक हुआ है या नहीं वो कैसे जानने का। स्पाई एप्स। आजकल प्ले स्टोर में ऐसे स्पाई एप्स अवेलेबल है जिससे आप किसी का लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं या फिर उनकी फोन कॉल की बातों को भी सुन सकते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इन एप्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप कोई भी स्पाई एप यूज करते हैं तो आपके फोन का डेटा इजीली हैकर्स के हाथ लग सकता है। अगर स्पाई एप द्वारा आपका फोन हैक हुआ है तो आपका इंटरनेट बिल हमेशा से ज्यादा दिखेगा या फिर आपके फोन की बैटरी बहुत फास्ट कम होते हुए दिखेंगी। अगर आप स्पाई एप यूज करते हैं और ऐसा साइंस दिखे तो समझिए आपका फोन हैक हो गया है। लेकिन अगर स्पाई ऐप को पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखते हैं तो कोई आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन ट्रैक नहीं कर पाएगा। पासवर्ड रखते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आपका पासवर्ड कोई गैस ना कर सके। चार्जिंग थ्रू अननोन यूएसबी। आज के वक्त में सभी लोग स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करते हैं जिस कारण एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन जैसी जगह पे यूएसबी चार्जिंग फैसिलिटीज दी जाती हैं। ये मेलिशियस चार्जिंग स्टेशंस के मालवेयर कंप्यूटर्स होते हैं, यानी कंप्यूटर कोई इल्लीगल काम करने के इरादे से ही रखे होते हैं और चार्जिंग स्टेशंस के थ्रू आपकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। स्टैंडर्ड यूएसबी केबल से आपका फोन चार्ज होता है, उसी केबल से फोन का डेटा कंप्यूटर में ट्रांसफर होता है। ऐसे फोन हैकिंग से बचने के लिए अपने फोन को पब्लिक प्लेस या चार्जिंग स्टेशन से चार्ज ना करें। अगर आपके फोन को चार्ज करने पब्लिक कंप्यूटर ही एक ऑप्शन है तो चार्ज ओनली ऑप्शन से फोन को चार्ज करें। ओपन वाईफाई नेटवर्क। पासवर्ड फ्री ओपन वाईफाई नेटवर्क मिलता है तब हम बिना सोचे उसका अनलिमिटेड यूज करते हैं। काफी लोग ये बात नहीं जानते हैं कि अनसिक्योर ओपन वाईफाई नेटवर्क आपका काफी सारा डेटा चुरा लेता है। इसीलिए ओपन वाईफाई नेटवर्क से अपने बैंक डिटेल्स या कोई प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन लीक हो ऐसा काम के लिए यूज ना करें। कोई भी टेक्निकल एक्सपर्ट बहुत इजीली ओपन वाईफाई से आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुरा सकता है। ईमेल सेंडिंग इज गेटिंग ब्लॉक्ड। काफी बार आपने देखा होगा आप कोई ईमेल सेंड करते हैं तो वो डायरेक्टली सेंड होने के बदले स्पैम मेल्स में जाता है। इसका मतलब होता है आपका ईमेल कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है और कोई अनऑथराइज सर्वर से आपके मेल्स पढ़े जा रहे हैं। इसीलिए आपके मेल्स कभी भी सेंड होने के बदले स्पैम मेल्स में दिखे तो टेक्निकल एक्सपर्ट से उसका सोल्यूशन निकाल लें। अननोन एप्स। जैसे लैपटॉप या पीसी में अपने आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने लगता है, उसी तरह फोन में मैन्युअली डाउनलोड किए बिना न्यू ऐप इंस्टॉल होते हैं। आपके फोन ये एप्स हैकर्स के द्वारा इंस्टॉल किए जाते हैं। एप्स इंस्टॉल करने के जरिए आपके फोन का पर्सनल डेटा हैक करना उनके लिए आसान हो जाता है। अगर आपको अपने फोन में ऐसे कोई अननोन एप्स दिखे जो आपने इंस्टॉल नहीं किए हैं तो उसे तुरंत अनइंस्टॉल कर दे। तो ये कुछ आसान तरीकों से आप जान सकते हैं आपका फोन या लैपटॉप हैक हुआ है या नहीं। अपना प्रोफेशनल या पर्सनल डेटा किसी गलत इंसान के हाथ ना लगे इसीलिए इन बातों को ध्यान में रखें और सावधान रहें। अगर इससे जुड़ी आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।